Welcome back, students. As I promised, these are the questions from Van't Hoff factor or abnormal molar masses. This first question is, which of the following aqueous solution has the highest boiling point? This solution came in Ames 2014. First is 0.1 molar KNO3, 0.1 molar sodium phosphate, 0.1 molar barium chloride, 0.1 molar K2SO. As you know, elevation in boiling point is a colligative property. That means elevation in boiling point, delta TB, is proportional to I into M. Now M is molality here, but molar or molal, almost same for aqueous solution. So ab hum kya karenge, हम सभी के साथ आई मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबके लिए एम तो सेम है, मोलैरिटी सेम है, मोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम होगी, तो आई इंटू क्या कर देंगे, सभी के साथ आई इंटू एम, आई इंटू एम, आई इंटू एम, आई इंटू एम, एंड यू नो आई फॉर दिस, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वी टेक इट एज 100% डिसोसिएटेड. बताओ KNO3 से क्या बनेगा, एक K प्लस और एक NO3 नेगेटिव, कितना हुआ N, 2, सो I इज ऑल्सो 2, सो इट कम्स आउट टू बी 0.1 × 2 और 2 × 0.1, 0.2, इसका कितना आएगा, 3 सोडियम और एक फॉस्फेट, मीन्स टोटल कितने हो गए, 4 × 0.1, ये आएगा 0.4, ये कितना आएगा बोलो, 0.1 तो मोलैरिटी होगी और एन कितना, आई कितना आएगा, एक बेरियम दो क्लोराइड, कितने हो गए, 3, मतलब 0.3 हो जाएगा, और ये दो पोटेशियम और एक सल्फेट, 3, तो 3 × 0.1, टोटल कितना हो गया ये, 0.3. तो बताओ सबसे ज़्यादा किसका हुआ, आई इंटू एम, बी, तो इसका मतलब इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, सो इट इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, देखा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसका एलिवेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑल आर एक्वस, सो टी नॉट बी तो सेम ही होगा सबका, बट टी बी माइनस टी नॉट बी होता है ना, टी नॉट बी सेम, तो जिसका टी बी ज़्यादा उसका डेल्टा टी बी ज़्यादा, तो डेल्टा टी बी सबसे ज़्यादा इसका, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का होगा. कर लोगे क्वेश्चन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वैंट हॉफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 थ्राइस इफ ऑल, देखो सेम वैल्यू ऑफ वैंट हॉफ फैक्टर फॉर Al2 एज दैट ऑफ Al2SO4 थ्राइस. बताओ Al2SO4 थ्राइस की कितनी होगी, बेटा दो एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट, टोटल कितने हो गए, 5, तो 100% डिसोसिएटेड, ये तो आई क्या होता है, इक्वल टू एन, सो आई फॉर Al2SO4 आई इज इक्वल टू बोलो 5. सो अब आप इनको देखो, K2SO4 कितने आयन देगा बोलो भैया, दो पोटेशियम और एक सल्फेट, तो कितने आयन देगा, 3, तो ये कितना आएगा इसके लिए, 3, इसके लिए आई कितना आएगा बोलो, 3 पोटेशियम और एक पूरा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट नहीं होता, याद रखना, तो 3 पोटेशियम एक ये, तो टोटल हो गया 4, इसके लिए आई बोलो, एक एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट 4, लास्ट के लिए बोलो K4FeCN6, 4 पोटेशियम 1 FeCN6 4 नेगेटिव, तो बेटा हो गया 5, दैट मीन्स राइट ऑप्शन इज डी. समझे, एक था Al2SO4 थ्राइस, उसका आई आया 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट 5, और K2SO4 में 2 पोटेशियम 1 सल्फेट 3, K3FeCN6 3 पोटेशियम 1 कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव, 1 3 प्लस 1 4,
एक एल्यूमिनियम, तीन नाइट्रेट, चार चार पोटेशियम, एक एफिसियन, सिक्स, तो चार प्लस एक पाँच, दैट मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. थैंक यू. नाउ एंड दिस क्वेश्चन केम इन एबीएमटी 2015. नाउ दिस इज फ्रॉम नीट 2016. वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सी वी हैव बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चा कितने आयन देगा ये सामने दिख रहा है, एक बेरियम और कितने हाइड्रोक्साइड, दो, तो टोटल तीन आयन हो गए. तो आई इज इक्वल टू थ्री. यहाँ लिखा नहीं है 100% डिसोसिएशन, बट उसने सब कुछ लिख दिया है. बाकी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और यू नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है डिसोसिएट्स कंप्लीटली. सो आई इज इक्वल टू एन, दैट्स इट, राइट. नाउ दिस इज क्वेश्चन समवट ट्रिकी बट नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. द पी एच ऑफ वन मोलर सोल्यूशन है ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड एच ए, उसका पी एच दिया हुआ है टू. अब आपको बताया कि एच ए जो है इट इज़ अ मोनोबेसिक एसिड, इट इज़ रिटन ऑलरेडी, बट वीक मोनोबेसिक दैट मीन्स इट कैनॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली. तो एच ए इक्वल एच प्लस, ए नेगेटिव, पी एच इज गिवन टू यू. इफ पी एच इज गिवन, पी एच इज टू, सो पी एच इज माइनस लॉग ऑफ H plus, that is 2, that implies log of H plus is equal to minus 2. So what is H plus? Minus 2, because it is anti log of minus 2. So H plus is 10 raised to power minus 2, means it is 0.01. So now concentration is 1 molar HA. So it is 0 before dissociation. So 1 minus 0.01, because H plus ion is 0.01, so 0.01 HA is dissociated to give 0.01 H plus. Now agar H plus 0.01 hai, to A negative is also 0.01. So what is I, number of moles after dissociation and number of moles before. So it is 1 point, because it cancel ho gaya, 1.01. So I comes out to be 1.01. That means A option is correct. Okay, thank you very much students for watching this video. I strongly recommend my videos for NEET exam, and keep watching. Keep updating your knowledge.